हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज बिल्कुल सिंपल रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम बनाएंगे फिश पकोड़ा। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई पार्टी वगैरह, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम फिश लिए, ये बोनलेस फिश है। आप शॉपकीपर से कहते हैं इसकी बोन्स निकलवा सकते हैं। तो ये जब भी आप फिश पकोड़ा या फिश फ्राई बनाएं तो उसकी बोन्स निकलवा दें, क्योंकि ये बच्चों को और खाने में आसानी होती है। तो ये देखिए, थोड़े मैंने बड़े पीसेस लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे थे, तो मुझे इस तरीके के पीसेस चाहिए थे। आप फिश पकौड़ा में छोटे पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है तकरीबन 5 टीस्पून। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँ 4 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर से इसका क्रिस्पी और क्रिस्पीनेस आता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप राइस फ्लोर या चावल का आटा ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। चाट मसाला ऐड करिए 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छे से जायका टेस्ट पे बन जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार करना है। बिल्कुल लम्स ही होना चाहिए बैटर हमारा, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए बैटर में। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय।